New unit from 12th physical chemistry is chemical kinetics, one of the most important unit. बड़ा ही important role है board exam के लिए भी और competition के लिए भी chemical kinetics का. सबसे पहले मैं introduce करना चाहूँगा chemical kinetics को कुछ इस तरीके से कि chemical kinetics physical chemistry की वो branch है जहाँ पर दो important topic को study किया जाता है, like rate of reaction first and the second one mechanism of reaction. So we can define chemical kinetics as the branch of physical chemistry which deals with the study of rate of reaction and mechanism of reaction is called chemical kinetics. The branch of physical chemistry which deals with the study of rate of reaction and mechanism of reaction is called chemical kinetics. Definition से ही आपको पहला topic मिल चुका है. Without wasting time, सीधे सीधे topic पर focus करेंगे हम. Rate of reaction पहला topic आपको मिल चुका है chemical kinetics का. पहला topic rate of reaction. अब मैं आपको idea दे दूँ कोई भी chemical reaction कैसे होती है. कोई भी केमिकल रिएक्शन ऐसे होती है जैसे रिएक्टेंट ए है और वो फॉर्म कर रहा है प्रोडक्ट बी. ये इरिवर्सिबल की बात, इरिवर्सिबल रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूं. तो इनिशियली आप रिएक्टेंट का मैक्सिमम कंसंट्रेशन लेते हैं. भाई रिएक्शन को स्टार्ट करवाना है तो रिएक्टेंट ही लोगे आप, उसका कंसंट्रेशन मैक्सिमम रहता है. प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जीरो होता है. अलॉन्ग विद टाइम क्या होता है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्योंकि वो प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा होता है तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अलोंग विद टाइम डिक्रीज हो रहा है जबकि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अलोंग विद टाइम इंक्रीज हो रहा है. मानते हो इस बात को. तो ए बी में कन्वर्ट हो रहा है तो ए का कंसंट्रेशन अलोंग विद टाइम डिक्रीज होएगा जबकि बी का कंसंट्रेशन अलोंग विद टाइम इंक्रीज होएगा, जिसको ग्राफ से इसे प्लॉट करके दिखाया जा सकता है. कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ. रिएक्टेंट का इनिशियली कंसंट्रेशन मैक्सिमम था जो अलोंग विद टाइम डिक्रीज होता है. प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अलोंग विद टाइम जीरो होता है इनिशियली, अलोंग विद टाइम इंक्रीज होता है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन. और अगर ये रिएक्शन रिवर्सिबल है कुछ इस तरीके से और इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो जाता है. तो कंसंट्रेशन ना तो रिएक्टेंट का चेंज होता है ना ही प्रोडक्ट का चेंज होता है. तो इस कंडीशन को भी हम यहाँ दिखा सकते हैं. इस कंडीशन का मतलब है इक्विलिब्रियम कंडीशन, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ नाइदर रिएक्टेंट नॉर प्रोडक्ट विल चेंज, राइट. खैर हम इस टाइप की रिएक्शन को कंसिडर करते हुए केमिकल काइनेटिक्स को स्टडी करना चाहते हैं. तो यहां से रेट ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन मेरे पास में आ गया. रेट ऑफ रिएक्शन को मैं वेलोसिटी से रिलेट कर सकता हूं. एक ऑब्जेक्ट है मूविंग, एक ऑब्जेक्ट चल रहा है, उसकी वेलोसिटी आप लेते हो. कैसे वेलोसिटी लेते हो, ये ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है तो आप कहते हो इसकी वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम. डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इसकी वेलोसिटी है. वैसे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी है. किसी रिएक्शन में क्या हो रहा है, रिएक्टेंट चेंज हो रहा है प्रोडक्ट में. रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज, मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन हो रहा है रिएक्शन में, रिएक्टेंट का भी और प्रोडक्ट का भी. तो रेट ऑफ रिएक्शन को ऐसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, रेट ऑफ अ रिएक्शन इज इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन. किसका चेंज इन कंसंट्रेशन, या तो रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का, पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन. सो वी कैन डिफाइन रेट ऑफ रिएक्शन एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स रेट ऑफ रिएक्शन. द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन. रिमेंबर रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होना चाहिए, तो कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल्स पर लीटर और पर यूनिट टाइम. ये रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट है, मोल्स पर लीटर पर यूनिट टाइम. अब टाइम में मैंने कुछ टाइम का यूनिट क्यों एक्सप्रेस नहीं किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि टाइम यहां पर सेकेंड में भी कंसिडर होता है और मिनट में भी कंसिडर होता है केमिकल काइनेटिक्स में. लेकिन ज्यादा कॉमन कौन सी यूनिट है, तो अनडाउटेडली मैं कहूंगा मोल्स पर लीटर पर सेकेंड. बट रिमेंबर
कि रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट मोल्स पर लीटर पर सेकेंड भी हो सकता है, मोल्स पर लीटर पर मिनट भी हो सकता है, याद रखें. ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन केमिकल रिएक्शंस कैन बी क्लासिफाई इन फॉलोइंग टाइप्स. केमिकल रिएक्शंस को इन टाइप में क्लासिफाई किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन. लाइक वेरी फास्ट और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन. वेरी फास्ट और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन फर्स्ट. सेकेंड वन वेरी स्लो रिएक्शन. एंड थर्ड वन मॉडरेट रिएक्शन. वेरी फास्ट और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन क्या होती है समझिएगा. ये सब रेट ऑफ रिएक्शन के बेसिस पर रिएक्शन के टाइप हैं. वेरी फास्ट और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन फर्स्ट, सेकेंड वेरी स्लो रिएक्शन, थर्ड वन मॉडरेट रिएक्शन. वॉट आर वेरी फास्ट और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन? दोज केमिकल रिएक्शन विच टेक प्लेस एज सून एज रिएक्टेंट ब्रॉट टूगेदर. जैसे ही रिएक्टेंट एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आते हैं रिएक्शन विल कंप्लीटेड. रिएक्शन विल कंप्लीट विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स. विल बी कंसिडर्ड एज वेरी फास्ट और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन. दोज रिएक्शंस विच कंप्लीटेड एज सुन एज रिएक्टेंट ब्रॉट टूगेदर इज कंसिडर्ड एज वेरी फास्ट और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन. सच टाइप ऑफ रिएक्शन रिक्वायर्ड ओनली फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड फॉर देयर कंप्लीशन. रिमेंबर, तो इनके लिए एक एवरेज टाइम भी है. कितना? नियर अबाउट 10^-15 to 10^-13 सेकेंड्स इज द रिक्वायर्ड टाइम फॉर द कंप्लीशन ऑफ सच टाइप ऑफ रिएक्शन. एक एवरेज टाइम है 10^-15 to 10^-13 सेकेंड. वेरी फास्ट और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन का कॉमन एग्जाम्पल क्या होना चाहिए? तो मैं कहूंगा इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. जैसे प्रेसिपिटेशन में कोई एग्जाम्पल तो बहुत 9th-10th स्टैंडर्ड से आप पढ़ते आ रहे हैं, वो एग्जाम्पल लेता हूं मैं. देखिए एग्जाम्पल ये है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का एक्वा सोल्यूशन. एक टेस्ट ट्यूब में सिल्वर नाइट्रेट का एक्वा सोल्यूशन ले लीजिए, एक में एक्वस NaCl ले लीजिए, थर्ड कंटेनर में दोनों को मिक्स कर दीजिए या आपस में ही मिक्स कर दीजिए. आप इमीडिएटली आपको व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट दिखना स्टार्ट हो जाएंगे. जो व्हाइट प्रेसिपिटेट दिखेंगे आपको वो बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ AgCl होगा. ये रिएक्शन है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. इज एग्जांपल ऑफ वेरी फास्ट रिएक्शन. और कोई एग्जांपल है क्या? हाँ, बेरियम क्लोराइड का आपने एक्वा सॉल्यूशन लेना है. ये पढ़ा है आपने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से, 9th-10th का टॉपिक है. बेरियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन आपने लिया है, उसमें एक्वस H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 आपने मिला दिया है. बेरियम 2+ सल्फेट 2- से कंबाइन होगा और क्या बना लेगा? बेरियम सल्फेट. और ये व्हाइट PPT प्रोड्यूस हो जाएंगे. प्लस 2H+ and 2Cl- विल प्रोड्यूस 2HCl. ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी वेरी फास्ट का एग्जाम्पल हो सकता है, लेकिन न्यूट्रलाइजेशन तब जब स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्शन करे स्ट्रॉन्ग बेस से और सॉल्ट प्रोड्यूस करें. मतलब वीक एसिड या वीक बेस नहीं होना चाहिए. जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से न्यूट्रलाइज हो रहा है तो वो रिएक्शन वेरी फास्ट और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन होगी. जैसे HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है. अगर ये न्यूट्रलाइजेशन की बात हो रही है तो डेफिनेटली ये वेरी फास्ट और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन कंसिडर होगा. These are very fast or instantaneous reaction.
very slow reaction. What are very slow reactions? Those chemical reactions which require few days, few months or few years for their completion will be considered as very slow reaction. Jinke completion mein kuch hours lag jaye, kuch days lag jaye, kuch month ya kuch year completion mein lag jate hain, unko hum very slow reaction kehte hain. For example, koi example hai iska? Yes, iska best example hai corrosion. Is the best example, such as rusting of iron. Rusting of iron is an example. Radioactive reaction, ko main kahunga ki kuch radioactive reaction very fast hai, jaise polonium kuch 14 second ke aaspaas hi uski half life hai, to uska jo radiation emit karne wala jo reaction hai, usko aap keh sakte ho कि वो वेरी फास्ट टाइप का है, इंस्टेंटेनियस टाइप का रिएक्शन है. रेडियो कार्बन डेटिंग की अगर मैं बात करूं तो 5770 ईयर्स लग जाते हैं, हाफ लाइफ होती है कार्बन 14 की, वो वेरी स्लो टाइप का रिएक्शन है. और कुछ मॉडरेट टाइप के भी रिएक्शन होते हैं. तो रेडियो एक्टिव रिएक्शन तीनों ही टाइप का हो सकता है, इसलिए मैं एग्जाम्पल में उसको कंसिडर नहीं कर रहा हूं. तो वेरी स्लो रिएक्शन जिसमें कुछ डेज, कुछ मंथ या कुछ ईयर लग जाते हैं, वो है लाइक करोजन और रस्टिंग ऑफ आयरन, बेस्ट एग्जांपल है वेरी स्लो प्रोसेस का. मॉडरेट रिएक्शन, अब मॉडरेट रिएक्शन का मतलब समझना. मॉडरेट रिएक्शन जो हैं वो ना तो वेरी फास्ट की कैटेगरी में कंसिडर होंगे, नहीं वेरी स्लो के. मतलब मॉडरेट रिएक्शन जो हैं उनमें लगने वाला टाइम कुछ सेकेंड है, लाइक 30-40 सेकेंड में रिएक्शन कंप्लीट हो गई, 3 मिनट में कंप्लीट हो गई, 5 मिनट में कंप्लीट हो गई. तो इस टाइप के जो रिक्वायर्ड टाइम है वो ना तो वेरी फास्ट में आ रहा है, नहीं वेरी स्लो में आ रहा है. तो इस टाइप के रिएक्शन को मॉडरेट रिएक्शन कहा जाता है. तो मॉडरेट रिएक्शन क्या है? दोज केमिकल रिएक्शन विच आर नाइदर वेरी स्लो नॉर वेरी फास्ट विल बी कंसिडर्ड एज मॉडरेट रिएक्शन. एंड इन मॉडरेट रिएक्शन few seconds or few minutes, usually few second या few minutes are required for its completion. Moderate reaction का कोई example, तो moderate reaction का ये example देखो, PCl5 decompose हुआ, PCl3 plus Cl2 form हो रहा है, moderate reaction है. या nitrogen combine हो रहा है hydrogen से, produce कर रहा है ammonia, मॉडरेट रिएक्शन है. तो मॉडरेट रिएक्शन में ध्यान से देखो, मॉडरेट रिएक्शन में क्या रिएक्टेंट आयोनाइज हो रहा है ड्यूरिंग द रिएक्शन? नो, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है. तो याद रखने का तरीका मैं आपको बता दूं कि मॉडरेट रिएक्शन, रिमेंबर, मॉडरेट रिएक्शन आर यूजुअली मॉलिक्यूलर रिएक्शन. यूजुअली मॉलिक्यूलर रिएक्शन आर मॉडरेट रिएक्शन. और यहां आप देखिए जरा, वेर इज वेरी फास्ट और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन आर यूजुअली आयोनिक रिएक्शन, रिमेंबर. एक और बात यहां मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, इसको टॉपिक बना के डिस्कस क्यों किया जा रहा है? इसको टॉपिक बना के इसलिए डिस्कस किया जा रहा है क्योंकि ये जो मॉडरेट रिएक्शन है, इन्हीं का तो रोल है केमिकल काइनेटिक्स में. जो वेरी फास्ट रिएक्शन है, जो रिएक्शन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में कंप्लीट हो जाएगी, कैन यू स्टडी इट्स मैकेनिज्म? क्या आप उसका मैकेनिज्म स्टडी कर सकते हो? या जो वेरी स्लो रिएक्शन है, जो कुछ मंथ या कुछ ईयर में कंप्लीट हो रही है, क्या उसका हम रिएक्शन मैकेनिज्म डिस्कस करना चाहेंगे? नो. तो रेट ऑफ रिएक्शन या मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन स्टडी करने के लिए सबसे कंफर्टेबल रिएक्शन यही है, मॉडरेट रिएक्शन. सो रिमेंबर कि केमिकल काइनेटिक्स में जो स्टडी की जा रही है, किन रिएक्शन की स्टडी की जा रही है? मॉडरेट रिएक्शन की. रिमेंबर, ओनली मॉडरेट रिएक्शन आर चोजन टू स्टडी केमिकल काइनेटिक्स. रिमेंबर, यहां से टॉपिक मैथमेटिकल होता चला जाएगा, इंपॉर्टेंट होता चला जाएगा. रेट ऑफ रिएक्शन का हम एक्सप्रेशन यहां लिखने जा रहे हैं. रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन, तो
इसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जब स्मॉल चेंज होता है तो डेल्टा को डी से ऐसे डिनोट करते हैं, एंड फॉर बिग चेंज इन कंसंट्रेशन ऐसे डेल्टा डिनोट करते हैं। ये भी सही है, ये भी सही है, कहीं आप डी और डेल्टा देखें तो कंफ्यूज मत होइएगा। फॉर स्मॉल चेंज, फॉर बिग चेंज, फॉर ग्रेटर चेंज। तो सपोज कीजिए रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करने का तरीका क्या होगा, ए इज गिविंग बी, अगर रिएक्शन इस टाइप की है, ए इज गिविंग बी मतलब वन मोल रिएक्टेंट है, वन मोल प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल सेम होते हैं, ऐसी रिएक्शन को हम स्टोशियोमेट्रिक रिएक्शन कहते हैं। मतलब ये स्टोशियोमेट्रिक रिएक्शन का मैं एक्सप्रेशन लिखने जा रहा हूं। एक और बात यहां क्लियर कर देना चाहूंगा, अभी तक हम कह रहे थे कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है, प्रोडक्ट का इंक्रीज होता है, यहां डिक्रीज और इंक्रीज होने वाला कंसंट्रेशन टर्म हमें टर्म यूज नहीं करना है, याद रखें। यहां डिक्रीज होने को मैं कहूंगा डिसअपियर होना केमिकल काइनेटिक्स में, और इंक्रीज होने का मतलब है अपियर होना, मतलब रिएक्टेंट डिसअपियर होता है और प्रोडक्ट अपियर होता है, यह टर्म केमिकल काइनेटिक्स में यूज की जाती है, याद रखें। जैसे अगर रेट ऑफ रिएक्शन का यहां मुझे एक्सप्रेशन करना है, समझेंगे ध्यान से, तो एक्सप्रेशन ऐसे होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू ए के रिस्पेक्ट में, अगर मुझे एक्सप्रेशन करना है ए के कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में, रेट ऑफ रिएक्शन को मैं पहले ही लिख चुका हूं, डिफाइन कर चुका हूं, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम इज रेट ऑफ रिएक्शन। तो ए के रिस्पेक्ट में अगर मैं लिख रहा हूं तो डिसअपियर हो रहा है, डिसअपियर होने के लिए साइन नेगेटिव यूज किया जाता है, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल टू, अब बी के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन को अगर मुझे लिखना है तो बी प्रोडक्ट है, साइन क्या होगा, प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन चेंज इन टाइम। अब समझिए यहां रिलेशनशिप भी बहुत मायने रखती है, इस पर बेस्ड मैथमेटिकल क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे आगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, ये माइनस साइन शो कर रहा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, तो इसको मैं लिखूंगा रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट ए। इज इक्वल टू प्लस साइन, ये है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन चेंज इन टाइम, तो बी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में क्या बना, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। स्टोशियोमेट्रिक रिएक्शन ऐसे भी हो सकती है, ए प्लस बी गिविंग सी प्लस डी, मैं हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मोर देन वन है, लेकिन सबके मोल वन है, तो अगेन रिएक्शन इज स्टोशियोमेट्रिक, जब मोल सबके सेम है वन है तो रिएक्शन स्टोशियोमेट्रिक है। अब यहां देखेंगे आप रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू ए के रिस्पेक्ट में, ए रिएक्टेंट है, साइन क्या होगा, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम, बी के रिस्पेक्ट में रिएक्टेंट है ये, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन चेंज इन टाइम, सी के रिस्पेक्ट में सी प्रोडक्ट है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन चेंज इन टाइम, डी के रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट है ये, प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन चेंज इन टाइम। यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन का रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस से रिलेशनशिप लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, ये देखिए माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम, माइनस बता रहा है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है ये, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज एग्जैक्टली इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस साइन रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी इज इक्वल टू प्लस साइन रेट ऑफ अपीयरेंस है ये, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी ये प्लस साइन इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी। यहां से हमने एक बात ये सीखी है, ये समझी है कि जो स्टोशियोमेट्रिक रिएक्शन होती हैं, याद रखना जो स्टोशियोमेट्रिक रिएक्शन होती है उसमें
रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्टेंट के रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के इक्वल होता है, रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्टेंट के रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के इक्वल होगा, और रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी प्रोडक्ट के रेट ऑफ अपीयरेंस के मैथमेटिकली एग्जैक्टली इक्वल होगा। फिर से सुने, जो स्टोशियोमेट्रिक रिएक्शन होती है उन रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन मैथमेटिकली किसी भी रिएक्टेंट के रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के इक्वल होगा, किसी भी प्रोडक्ट के रेट ऑफ अपीयरेंस के इक्वल होगा। किसमें? स्टोशियोमेट्रिक रिएक्शन में, जब सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल सेम हो या सबके मोल वन हो तब। और अगर रिएक्शन स्टोशियोमेट्रिक नहीं है, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल डिफर कर रहे हैं, तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस का क्या रिलेशनशिप होना चाहिए, समझे? रिएक्शन ये एन वन ए प्लस एन टू बी गिविंग एम वन सी प्लस एम टू डी। यहां पर ऐसी रिएक्शन है जिसमें सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल सेम नहीं है, तो इस रिएक्शन को हम नॉन स्टोशियोमेट्रिक रिएक्शन कंसिडर करेंगे, याद रखें। अब इसमें एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए समझिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू ए के रिस्पेक्ट में माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम। ये रेट माइनस साइन, ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए तो लिख दिया आपने, लेकिन ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल नहीं है, याद रखें, क्योंकि जिस भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के मोल वन नहीं है उसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ अपीयरेंस रेट ऑफ रिएक्शन के एग्जैक्टली मैथमेटिकली इक्वल नहीं होता है। जैसे ए के मोल अगर एन वन है तो ए का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल नहीं है, उसको इक्वल करने के लिए जो भी मोल गिवन है उसको इनवर्स करके मल्टीप्लाई करना है, वन अपॉन एन वन लाइक दैट इज इक्वल टू बी के रिस्पेक्ट में देखिए माइनस, सुनेंगे फिर से समझेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन चेंज इन टाइम। ये क्या है? माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन चेंज इन टाइम, ये है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, लेकिन इसके मोल वन नहीं थे तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी रेट ऑफ रिएक्शन के एग्जैक्टली इक्वल नहीं है। इक्वल बनाने के लिए बी के जितने मोल हैं उसको इनवर्स करके मल्टीप्लाई करना होगा, इज इक्वल टू सी प्रोडक्ट है रेट ऑफ अपीयरेंस, मैं इसका लिखने जा रहा हूं रेट ऑफ अपीयरेंस का साइन प्लस होना चाहिए, प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन चेंज इन टाइम। बस ये हो गया रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, लेकिन रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी क्या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी रेट ऑफ रिएक्शन से एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, क्योंकि अगर सी के मोल वन नहीं थे, वन से ज्यादा थे, तो सी का रेट ऑफ अपीयरेंस रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल नहीं था। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी को रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल बनाने के लिए इसके जितने भी मोल गिवन है उसको मैं इनवर्स करके मल्टीप्लाई करूंगा। नाउ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी बिकम्स मैथमेटिकली बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डी के रिस्पेक्ट में प्लस साइन वन अपॉन एम टू इन टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन चेंज इन टाइम इज द एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग समझेंगे बहुत ध्यान से, माइनस फिर से सुने अगर कोई बात क्लियर नहीं हुई हो तो, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम, ये क्या है? ये है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, जिसको रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल करने के लिए मैंने इसके मोल को इनवर्स करके मल्टीप्लाई किया है, तो रिलेशनशिप हुई रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू वन अपॉन एन वन इन टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। फिर से समझे, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन चेंज इन टाइम, इतना पार्ट क्या है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी है, तो ये हो गया वन अपॉन एन टू इन टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी। प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन चेंज इन टाइम, ये रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी है, ये हो गया वन अपॉन एम वन इन टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन चेंज इन टाइम, ये रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी है जिसको रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल करने के लिए मैंने इसके मोल को इनवर्स करके मल्टीप्लाई किया है,
1 upon m2 into rate of appearance of D is a way to express rate of reaction and to relate rate of reaction with any rate of disappearance of reactant or any rate of appearance of product. Topic important hai. Kahi baar to keval board exam mein aapko expression ke question puche gaye hain ki rate of reaction ko express kijiye given equation ke liye. Given chemical equation mein rate of reaction ko express karna hai. Express karne ka matlab hota hai rate of reaction ko express kar do aur rate of disappearance of reactant aur rate of appearance of product se usko relate kar do. For example, PCl3 plus Cl2 giving PCl5. Suppose इस रिएक्शन के लिए हमें रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करना है. एक्सप्रेशन क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू PCl3 रिएक्टेंट है इसके रिस्पेक्ट में. एक्सप्रेशन साइन होगा माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल टू Cl2 के रिस्पेक्ट में माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 अपॉन चेंज इन टाइम PCl5 के रिस्पेक्ट में प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 अपॉन चेंज इन टाइम. अगर रिलेशनशिप मुझे यहां पर लिखनी है तो रिलेशनशिप में ऐसे लिख सकता हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज, ये देखो माइनस साइन, माइनस का मतलब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस. रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ PCl3 is equals to minus change in concentration of Cl2 upon change in time. Rate of disappearance of Cl2 is equals to plus sign. Rate of appearance of PCl5. Rate of appearance of PCl5. रिएक्शन है सपोज N2 टू प्लस थ्राइज ऑफ H2 टू गिविंग ट्वाइज ऑफ NH3 अमोनिया. ये रिएक्शन स्टोशियोमेट्रिक थी जहां पर सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट का मोल 1 था. तो इस रिएक्शन में खास बात यह होती है कि रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या किसी भी रेट ऑफ अपीयरेंस से मैथमेटिकली एग्जैक्टली इक्वल होगा. लेकिन यहाँ बात मुझे समझ में आ रही है, ये नॉन स्टोशियोमेट्रिक रिएक्शन है. इसका मतलब यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन सारे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और सारे रेट ऑफ अपीयरेंस के इक्वल नहीं हो सकता. जैसे पहले लिखते हैं फिर कंक्लूड करते हैं. रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू एन टू के रिस्पेक्ट में क्या एक्सप्रेशन, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एन टू अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल टू एच टू के रिस्पेक्ट में माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एच टू अपॉन चेंज इन टाइम. इतना पार्ट क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एच टू है. लेकिन इस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एच टू को रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल करने के लिए जितने इसके मोल गिवन है उसको इनवर्स करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. इज इक्वल टू प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया अपॉन चेंज इन टाइम एनएससी के रिस्पेक्ट में. एनएससी के मोल 2 हैं तो इसको इनवर्स करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 बाय 2. रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस मतलब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एन टू अपॉन चेंज इन टाइम. इतना पार्ट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है. तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एन टू माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एच टू अपॉन चेंज इन टाइम. ये है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एच टू. ये हो गया 1 बाय 3 इन टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एच टू. चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया अपॉन चेंज इन टाइम ये है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया. उसको अगर मैं हाफ से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो वो रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल हो जाएगा. रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया
ये है रिलेशनशिप। अब यहां एक बात बहुत ध्यान से समझें, नॉन स्टोशियोमेट्रिक रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन सारे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस के इक्वल नहीं हो सकता। जिसके मोल वन नहीं है, हमने ये कंक्लूजन किया कि जिसके मोल वन नहीं है, 3O2 थे H2 और अमोनिया, उनका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ अपीयरेंस जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन के एग्जैक्टली इक्वल नहीं था। मोल को इन्वर्स करके मल्टीप्लाई करके हमने उसके इक्वल बनाया। लेकिन नॉन स्टोशियोमेट्रिक रिएक्शन में भी जिसका मोल वन रहेगा रेट ऑफ रिएक्शन, जिसका मोल रिएक्टेंट का मोल अगर वन है रिएक्शन में, तो रेट ऑफ रिएक्शन उसके रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के एग्जैक्टली इक्वल होगी। नॉन स्टोशियोमेट्रिक रिएक्शन में अगर प्रोडक्ट का मोल वन है तो रेट ऑफ रिएक्शन उसके रेट ऑफ अपीयरेंस के इक्वल मिलेगा। जिसका मोल वन है केवल, उसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ अपीयरेंस मैथमेटिकली रेट ऑफ रिएक्शन के एग्जैक्टली इक्वल होगा। लेकिन जिसका मोल वन नहीं है उसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ अपीयरेंस रेट ऑफ रिएक्शन से मैथमेटिकली एग्जैक्टली इक्वल नहीं मिलता है। उसको इक्वल करने के लिए उसके जितने भी मोल गिवन होते हैं उसको इन्वर्स करके मल्टीप्लाई करना पड़ता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ अपीयरेंस से, तब जा करके वो वैल्यू रेट ऑफ रिएक्शन से मैथमेटिकली इक्वल हो जाती है। इस इक्वेशन पर AI EEE में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, काफ़ी पुराना सा क्वेश्चन है। AI EEE में इस इक्वेशन पर बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी अभी हम आगे सॉल्व करेंगे। और ये रिलेशनशिप क्लियर होने के बाद ऐसे मैथमेटिकल क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट होने लगेंगे जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ रिएक्शन के इंटर रिलेशनशिप पर बेस्ड होते हैं। एक्सप्रेशन में जो हमने ये रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेस किया है, इसको हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कंसिडर करते हैं। ये सारे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है ये सब। हाँ, और अगर इंस्टेंटेनियस रिएक्शन अगर होती है तो इंस्टेंटेनियस रिएक्शन में इसी को आर इंस्टेंटेनियस लिखते हैं, एक्सप्रेस करने का तरीका वही रहेगा आर इंस्टेंटेनियस। तो ये पूरा एक्सप्रेशन करने के बाद, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर AI EEE में इस रिएक्शन पर बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जैक्टली क्वेश्चन तो मुझे याद नहीं है बट मैं उसी के सिमिलर एक क्वेश्चन क्रिएट करके पूरा कैलकुलेशन करके आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे। मैथमेटिकल कैलकुलेशन स्टार्ट लेने से पहले सबसे पहली बात तो ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के लिए ये एक्सप्रेशन आपको करना आना चाहिए, जिससे कि आपको रिलेशनशिप क्लियर हो जाए कि उस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए रेट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का क्या रिलेशनशिप है सारे रिएक्टेंट के रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और सारे प्रोडक्ट के रेट ऑफ अपीयरेंस के साथ, राइट? तो ये आप एक्सप्रेशन कर लेते हैं। कुछ बातें जो मैं आपको क्लियर कर दूं वो ये कि एक्सप्रेशन में नेगेटिव पॉजिटिव साइन जरूर आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो भी मैथमेटिकल वैल्यू आती है, चाहे वो रेट ऑफ रिएक्शन हो, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, या रेट ऑफ अपीयरेंस हो, या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हो, जितने भी ये आपको एक्सप्रेशन नज़र आ रहे हैं उसकी मैथमेटिकल वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, उस पर नेगेटिव साइन यूजुअली नहीं लगाया जाता है, याद रखें। अब कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में या तो कंसंट्रेशन गिवन होता है या प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में कंसंट्रेशन गिवन होता है। तो याद रखना, या तो रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में मैं बात करूं तो रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन मैक्सिमम होता है, अलॉन्ग विद टाइम ये कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है। तो रिएक्टेंट में या तो दो कंसंट्रेशन आपको गिवन रहेंगे जिससे आप चेंज इन कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर लोगे, एक इनिशियल कंसंट्रेशन जो कि ज्यादा होगा और एक फाइनल जो कि कम होगा। और प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में अगर कंसंट्रेशन गिवन है तो एक ही कंसंट्रेशन गिवन होगा, क्योंकि प्रोडक्ट का इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होता है किसी भी रिएक्शन में, जीरो। तो जो प्रोडक्ट का गिवन कंसंट्रेशन है वही चेंज इन कंसंट्रेशन है, याद रखना। और रिएक्टेंट के लिए या तो चेंज इन कंसंट्रेशन आपको गिवन रहेगा या रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में दो कंसंट्रेशन आपको गिवन होंगे, उन दोनों का डिफरेंस आप ले लोगे तो आपको चेंज इन कंसंट्रेशन मिलेगा। जैसे यहाँ एक क्वेश्चन हम क्रिएट करते हैं कुछ इस तरीके से, फॉर दिस रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड हेबर्स प्रोसेस। फॉर हेबर्स प्रोसेस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ H2 इज इक्वल टू 0.04 मोल्स पर लीटर एंड आफ्टर फोर्टी सेकेंड्स इट्स कंसंट्रेशन बिकम्स 0.02 मोल्स पर लीटर, देन फाइंड द फॉलोइंग।
A part, rate of appearance of ammonia. B part, average rate of reaction. C part, rate of disappearance of N2. And D part, rate of disappearance of H2. अब ये कैलकुलेशन मुझे करके बताना है, समझेंगे ध्यान से। तो ये पूरा एक्सप्रेशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब इसमें H2 के रिस्पेक्ट में कंसंट्रेशन गिवन है और A पार्ट में कैलकुलेट कर रहा हूं जहां पर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया मुझे बताना है। वैसे तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया केवल होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया अपॉन चेंज इन टाइम, लेकिन अमोनिया के रिस्पेक्ट में कंसंट्रेशन गिवन नहीं है, कंसंट्रेशन तो H2 के रिस्पेक्ट में गिवन है और ये पार्ट आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है। यहां से आप फॉर्मूला क्रिएट कीजिए, यहां से आप फॉर्मूला क्रिएट कीजिए। फॉर्मूला होगा चेंज इन ए पार्ट, ये आपको फाइंड आउट करना है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल टू 2/3, ये देखिए 2/3 आ रहा है, माइनस 2/3 इंटू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन चेंज इन टाइम। यहां से मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन करूंगा, ये पार्ट मुझे फाइंड आउट करना है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, तो माइनस 2/3 इंटू चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। फाइनल वैल्यू कितनी है 0.02 माइनस इनिशियल कितनी है 0.04 अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम कितना 40 सेकंड दे रहा है आपको, ये 40 सेकंड। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए माइनस 2/3 इंटू, यहाँ माइनस साइन लगाने का लॉजिक ही ये है कि ये देखो 0.02 माइनस 0.04 ये हो गया माइनस 0.02 माइनस माइनस प्लस हो गया 0.02 अपॉन 40, 2 से कैंसिल हो गया 20 टाइम्स, ये हो गया अपॉन में 100, 2 से कैंसिल हो गया 10 टाइम, 1/1000 न्यूमरेटर में मैं लूँगा तो ये हो जाएगा 10^-3/3, जिसको मैं लिख सकता हूँ 10/3 इंटू 10^-4, 10/3 हुआ 3.33 इंटू 10^-4 इज द आंसर। मतलब रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया जो है वो होगा 3.33 इंटू 10^-4 मोल्स पर लीटर और टाइम गिवन था सेकेंड, पर सेकेंड इज द आंसर। ये आपका आंसर है ए पार्ट। बी पार्ट आपको कैलकुलेट करना है रेट ऑफ रिएक्शन। इस टाइप के कैलकुलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होती है कि कहाँ मोल का रोल है और कहाँ मोल का रोल नहीं है, ये समझे हम बस। रेट ऑफ रिएक्शन देखो इन इन सबके इक्वल है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 रेट 1/3 इंटू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 1/2 इंटू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया। अमोनिया का रेट ऑफ अपीयरेंस आप कैलकुलेट कर चुके हो तो बेटर होगा उसी से आप कैलकुलेट करें। हाफ इंटू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, तो हाफ इंटू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया अभी आपने कैलकुलेट किया ये आ रहा है 3.33 इंटू 10^-4 डिवाइडेड बाय 2 1.66 इंटू 10^-4 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड इज द आंसर। दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2। ये देखो रेट ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 के एग्जैक्टली इक्वल है। मतलब सी पार्ट में आप सीधे सीधे लिख दोगे, सी पार्ट में आपको पता ही है कि रेट ऑफ रिएक्शन मैथमेटिकली इक्वल है किसके, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन चेंज इन टाइम, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के इक्वल है। तो सीधे सीधे आंसर वही हो जाएगा क्या जो रेट ऑफ रिएक्शन है 1.66 इंटू 10^-4 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। अब डी पार्ट में आपको फाइंड आउट करना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला हम लगाएंगे वो देखिए, दो तरीके हैं मेरे पास। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 आपको कैलकुलेट करना है
तो सीधे सीधे फॉर्मूला लगा दो आप, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एच टू अपॉन चेंज इन टाइम, ये फाइंड करना है आप, और ये डिसअपीयरेंस है इसलिए माइनस साइन लगा देता हूँ मैं, और ये एच टू का कंसंट्रेशन आपको गिवन ही है, माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है 0.02, इनिशियल कितना है 0.04 अपॉन चेंज इन टाइम कितना है 40, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.02 अपॉन 40, वन बाय टू पॉइंट फाइव और इंटू थाउजेंड, न्यूमरेटर में लेंगे तो 10^-3, मतलब आंसर आया आपका 5 × 10^-4 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड इज द आंसर, ये आंसर। इसको कैलकुलेट करने का और भी तरीका हो सकता था हमारे पास, कैसे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एच टू अपॉन चेंज इन टाइम, मतलब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एच टू आप और भी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, दूसरा तरीका हो सकता है रेट ऑफ रिएक्शन से आप कैलकुलेट कर लो, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एच टू 3 मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ रिएक्शन हो सकता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एच टू अपॉन चेंज इन टाइम इज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एच टू विल बी मैथमेटिकली इक्वल टू 3 × रेट ऑफ रिएक्शन, ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो आप, 3 × रेट ऑफ रिएक्शन 1.66 × 10^-4, ये आपका वही आ जाएगा अप्रॉक्स 5 × 10^-4। मोल्स पर लीटर पर सेकेंड इज द आंसर। तो एक दूसरे की इंटर रिलेशनशिप से भी मैथमेटिकली कैलकुलेशन किया जा सकता है, ये एक क्वेश्चन सॉल्व करके मैंने आपको आइडिया दिया कि इंटर रिलेशनशिप पर कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सपोज कीजिए एक प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन करके बता रहा हूं, ये रिएक्शन है N2O5 गिविंग ट्वाइस ऑफ NO2 प्लस हाफ O2, इस रिएक्शन में गिवन है इफ द कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इज, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इज फाउंड टू बी 0.25 मोल्स पर लीटर आफ्टर 5 मिनट्स, देन फाइंड द फॉलोइंग, ए पार्ट रेट ऑफ रिएक्शन, बी पार्ट रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 एंड सी पार्ट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 और डी पार्ट ले लेते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2। सबसे पहला काम हमें करना है एक्सप्रेशन लिखने का, ऐसे रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, फॉर्मूला बनाओ N2O5 के रिस्पेक्ट में, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन, भाई रिएक्टेंट का डिसअपीयरेंस हो रहा है तो माइनस साइन लेना है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल टू NO2 के रिस्पेक्ट में, 2 मोल हैं रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल, इसको करने के लिए मैं 1/2 करूंगा इंटू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल टू 1/2 मोल हैं चेंज इन प्लस साइन प्रोडक्ट के फॉर्म होने के लिए, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन चेंज इन टाइम, इतना पार्ट क्या है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2, लेकिन जिसके मोल 1 नहीं होते हैं उसका रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल नहीं होता है, इक्वल करने के लिए उसके मोल को इन्वर्स करके मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो हाफ का इन्वर्स मतलब हो गया 2 इज द एक्सप्रेशन। यहाँ से रिलेशनशिप आपको मिल चुकी है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस ऑफ, इतना पार्ट क्या है, इतना पार्ट है माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5, माइनस साइन दिखाता है डिसअपीयरेंस, दिस इज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ
N2O5, rate of disappearance of N2O5 is equals to mathematically इतना पार्ट प्लस साइन मतलब अपीयरेंस और NO2 प्रोडक्ट है मतलब अपीयरेंस हो रहा है. रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 ये है जिसके लिए मोल का कोई रोल नहीं है. मोल का रोल केवल इसलिए होता है कि इस रेट ऑफ अपीयरेंस को मैं रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल करना चाहता हूं मैथमेटिकली. तो हाफ मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 इज इक्वल टू इतना पार्ट है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन चेंज इन टाइम, केवल इतना ही पार्ट रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 है. लेकिन इस रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 को मैं मैथमेटिकली रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल करना चाहता हूं, इसलिए मैंने इसके मोल को इन्वर्स करके मल्टीप्लाई किया है. सो दिस इज 2 इनटू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2. अब मैथमेटिकली हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, रिलेशनशिप हमारे सामने है. एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन हमने कर दिया है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस रेट ऑफ अपीयरेंस से एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को हमने रिलेट कर दिया है. अब सीधे सीधे मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ. ए पार्ट मुझे कह रहा है रेट ऑफ रिएक्शन बताना है, तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके रिस्पेक्ट में बताना है, NO2 के रिस्पेक्ट में. NO2 के रिस्पेक्ट में अगर बताना है तो रेट ऑफ रिएक्शन NO2 से ये रिलेशनशिप रखता है. तो ये हुआ प्लस 1/2 इनटू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2. मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट का इनिशियल कंसंट्रेशन हमेशा याद रखना जीरो होता है, तो जो गिवन कंसंट्रेशन है वही चेंज इन कंसंट्रेशन. तो गिवन कंसंट्रेशन क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन 0.25 है. प्रोडक्ट का इनिशियल कंसंट्रेशन आप क्या लोगे, जीरो अपॉन चेंज इन टाइम. चेंज इन टाइम दे रहा है, हाँ दे रहा है 5 मिनट्स. बस इसी को कैलकुलेट करना है आपको, 1/2 इंटू 0.25 अपॉन 5. फाइव डिवाइडेड बाई टू, 2.5 इंटू 100 को न्यूमरेटर में लोगे, 10^-2 इज द आंसर. मोल्स पर लीटर पर मिनट इज द रेट ऑफ रिएक्शन. और क्या फाइंड आउट करना है आपको बी पार्ट में, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2. रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 होता है केवल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन चेंज इन टाइम, दैट्स इट. मोल का कोई रोल नहीं होगा क्योंकि NO2 का ही चेंज इन कंसंट्रेशन दे रहा है. तो जिसका कंसंट्रेशन गिवन है, जिसके लिए चेंज इन टाइम गिवन है, उसके लिए मोल की जरूरत नहीं है. तो इतना पार्ट ही रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 होगा. तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 क्या लोगे, फाइनल कंसंट्रेशन 0.25, प्रोडक्ट का इनिशियल कंसंट्रेशन 0 अपॉन चेंज इन टाइम कितना, 5 मिनट्स. तो 0.25 अपॉन 5 इज 5×10^-2 मोल्स पर लीटर और टाइम मिनट में था, इसलिए मिनट इज द आंसर. सी पार्ट, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 आपको कैलकुलेट करना है. रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 मैथमेटिकली इक्वल है, ये देखो. तो सीधे सीधे आप कहोगे रेट ऑफ रिएक्शन इज मैथमेटिकली इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 अपॉन चेंज इन टाइम. अंडर स्टूड होता है, माइनस साइन मैथमेटिकल वैल्यू में नहीं लगाई जाती है, ठीक है. और लगा देते हैं तो गलत भी नहीं है, बट यूजुअली एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं होती है. तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 से मैथमेटिकली. तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वही यहाँ आंसर है. मतलब आंसर क्या है, 2.5×10^-2 मोल्स पर लीटर पर मिनट. डी पार्ट में अब आपको कैलकुलेट करना है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2. रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2, अब आपके पास दो तीन रिलेशनशिप आ चुकी है, किसी से भी कैलकुलेशन आप कर सकते हो. कैसे, ये पार्ट कैलकुलेट करना है आपको, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो. रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 इज इक्वल टू 1/4 इंटू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2, या फिर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5, या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन डिवाइडेड बाय 2. कोई भी रिलेशनशिप से आप कैलकुलेशन कर सकते हो, जैसे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन चेंज इन टाइम इज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2, विच विल बी मैथमेटिकली इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन डिवाइडेड बाय 2. रेट ऑफ रिएक्शन आपको मिला था 2.5×10^-2 डिवाइडेड बाय 2. आंसर इज 1.25 मोल्स पर लीटर
per minute is the answer. So this is the expression of average rate of reaction and its relationship between rate of disappearance of reactant and rate of appearance of product, and such type of mathematical calculation may be very, very important not only for board exam, it also may be very, very important for the competitive exams.